दोस्तों, ये खीर है, आपको दिख ही रहा होगा वाइट वाइट खीर जैसा, पर ये खीर चावल के नहीं बल्कि गेहूं की है। और ये चावल की खीर जितनी कॉमन तो नहीं है और पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका अपना एक अलग ही स्वाद है। पूर्वांचल में लोगों के यहाँ नागपंचमी पर खीर बनाई जाती है गेहूं की। अगर आपके यहाँ भी बनती है तो इस रेसिपी को ट्राई करके बनाइएगा इस बार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका maakirasoise.com में। दोस्तों, चावल की खीर तो आपने बहुत ही खाई होगी, आज हम गेहूं की खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि इलाहाबाद में अक्सर नागपंचमी के अवसर पर बनाई जाती है। और खीर बहुत टेस्टी होती है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, खीर बनाने से पहले काफ़ी चीज़ें करनी होती है। तो ये सारी प्रोसेस के साथ हम आपको ये गेहूं की खीर बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, कुछ अलग लगेगा, बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी खीर होती है। तो रेसिपी को ट्राई करके अपने सुझाव और फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, गेहूं की खीर। तो दोस्तों, गेहूं की खीर बनाने के लिए ये देखिए, हम एक कटोरी गेहूं लिए हैं और इसे सिंपली बस धो लिए हैं पानी से अच्छी तरीके से। वैसे धो के सुखाया हुआ गेहूं था, लेकिन फिर भी अभी जो है हम इसे फिर से धो लिए एक बार। और यह है इमामदस्ता छोटा सा मेरा, जिसमें हम इसे कूटेंगे। तो जितनी भी गेहूं की रिक्वायरमेंट हो, जितनी भी खीर बनानी हो, उस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप कूट के रख भी सकते हैं ताकि जब भी बनाना हो आपको तो ये जो प्रोसेस है कूटने वाला, कूट कर इसको फिर सुखाना है, फिर साफ़ करना है, ये प्रोसेस से आप बच सकें, तो इसलिए एक बार में ही आप इसको कूट सकते हैं। दोस्तों, आप इसे हल्का सा मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं, मगर इमाम दस्ते में जब हम कूटते हैं तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। जब हम कूटते हैं तो इसको जो छिलका है वो निकल जाता है। और इसे हमें कूट कर बिल्कुल दलिया की तरह छोटा सा करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल लेते हैं। और इसे कूटते जाना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा हम मारते जाएंगे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा मारेंगे। ये हम पानी रख लिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के कूटेंगे। दोस्तों, ये देखिए, हम एक चम्मच गेहूं डाले थे और इसको हम कूट लिए हैं। इसको हमें लगभग 1-1.5 मिनट के करीब लगा और इसे हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। सारा गेहूं इसी तरह से कूट कर हम इस प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों, ये सारे गेहूं को हम कूट चुके हैं और ये भी काफ़ी गीला है, तो इसे हमें धूप दिखाना होगा। अगर आप इसे एक बार में नहीं बनाना है, रखना चाहते हैं स्टोर करके थोड़ा, तो बहुत अच्छे से धूप दिखाना होगा, वरना फफूंद लग सकती है। और तुरंत बनाना है अगर तो एक दिन की धूप भी काफ़ी होगी, लेकिन अभी गर्मी है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, तो 2 दिन अगर आप धूप दिखा देंगे तो अच्छे से सूख जाएगा, वरना एक दिन तो दिखाना ही है। तो अब हम इसे 2 दिन के लिए धूप दिखाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गेहूं को जो हम कूट के तैयार किए थे और सुखा लिए थे, तो सूख गया है बिल्कुल। और ये देखिए, इसमें छोटा छोटा जो ऊपर, जो गेहूं के ऊपर पतली सी झिल्ली होती है ना परत, वो अलग हो गई है, तो इसे हम सूप से साफ करके निकाल लेंगे। ये देखिए, भूसी जैसा ये दिखाई दे रहा है, सूप से सब जब साफ़ करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और ये इस कटोरी से आप देख रहे हैं 3x4 कटोरी के करीब है, 3x4। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी कटोरी से मेज़र करके फिर हम पानी और दूध डालेंगे। तो ये जो गेहूं की दलिया की तरह से हम जो कूट के तैयार किए थे, इसको इस प्लेट में हम साफ़ कर लिए। और ये बिल्कुल अब देखिए साफ़ हो गई है, पहले आपको इसकी झिल्ली हाथ में दिखाई दे रही थी, उंगली में अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ़ है। और बिल्कुल आसानी से साफ़ हो गया इस प्लेट में, जस्ट ऐसे ऐसे करने से, इसको हल्का सा हाथ से ऐसे कर दिया और बिल्कुल साफ़ हो गया आराम। तो चलिए इसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो खीर बनाने के लिए हम कुकर रख दिए हैं गैस पर और इसमें डालेंगे 4 चम्मच के करीब देसी घी। तो इसमें हम डाल रहे हैं ये 4 छोटी इलायची। और अब ये गेहूं जो है इसे डाल देते हैं। दो तीन मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे भून लेंगे। तो गेहूं हमारा भून चुका है, 2 मिनट हम बस इसे भूने बिल्कुल धीमी आंच पर। और इसमें हम जिस कटोरी से गेहूं लिए थे, उसी कटोरी से 3 कटोरी
पानी डालेंगे। जितना मेजरमेंट गेहूं का है उसे चार गुना हमें पानी डालना है, तो 3/4 था गेहूं, तो तीन कटोरी हम पानी डाल रहे हैं। ढक्कन लगाकर 6-7 सीटी हम इसे पकने देंगे। तो गेहूं को हम पका लिए हैं, एक सीटी तेज आंच पर और धीमी आंच पर 10 मिनट पकाए, या मीडियम फ्लेम पर आप 6-7 सीटी लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल प्रेशर भी इसका निकल चुका है, नॉर्मल अपने से खुला है ये। तो हम आपको दिखाते हैं, गेहूं हमारा जो है वो पक चुका है, दिखने में ही सॉफ्ट काफ़ी दिख रहा है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो फिर से हम गैस जला लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसे और पकाना है। खीर है तो इसमें दूध तो पड़ा नहीं, तो अब हम डालेंगे दूध। जितनी क्वांटिटी गेहूं की थी उसका चार गुना दूध डालेंगे, यानी कि 3/4 कटोरी था गेहूं, तो हम तीन कटोरी दूध डालेंगे। और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। और इसका ढक्कन खुला रखकर थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसे हम पकाएंगे। तो इसे थोड़ी देर धीमी आंच पर, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। तो ये हमारी गेहूं की खीर भी पकते पकते काफ़ी गाढ़ी, क्रीमी और स्मूथ हो चुकी है। लगभग मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10-12 मिनट पकाए हैं। तो इसमें अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दे रहे हैं, चॉप्ड बादाम और पिस्ता, अपने चॉइस के हिसाब से डालें। 1-2 मिनट इसे और पका लेते हैं, फिर गैस बंद कर देंगे। तो खीर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए काफ़ी गाढ़ी स्मूथ हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। चावल की खीर तो आपने बहुत बनाई होगी, इस बार ये गेहूं की खीर बनाइएगा। थोड़े से नट्स के साथ इसे गार्निश कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो गई ये गेहूं की खीर। तो आप इसे ट्राई करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।